हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। अभी गाजर का सीजन भी है, मार्केट में अच्छे अच्छे ताजे ताजे गाजर मिल रहे थे, तो मैं सोच रही थी हलवा बना लूँ। बहुत दिन से मैं बनाई भी नहीं हूँ, तो चलिए देखते हैं। अब ये दूध गाढ़ा हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स। मैं बहुत देर से, लगभग 1 केजी दूध से थोड़ा कम है, बहुत देर से मैं इसे उबाल रही हूँ। उबलते उबलते ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया, ये देखिए। अब मैं इसमें ये कद्दूकस किया हुआ गाजर मिला दूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स। ये मैंने गाजर को कद्दूकस करके रखा हुआ है। इसका आंच तेज कर देती हूँ। और इसे अच्छे से पकाऊंगी मैं। जब ये पूरा पक जाएगा फिर मैं इसमें डालूंगी चीनी, ड्राई फ्रूट। ये देखिए गाइस, मेरा आधा गाजर पक चुका है, ये उबल रहा है अच्छे से। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप भी तेज की हुई है। ये देखिए गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। हवा आ रहा है इधर से, मुझे खिड़की बंद करना पड़ेगा। तब तक मैं इलायची कूट लेती हूँ। इसके लिए मैंने निकाल लिया है किशमिश, काजू, इलायची और चीनी भी। दूध सारा इसमें सूख चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स। ये गाजर अच्छे से पक चुका है, अब इसमें चीनी मिला देती हूँ। ये चीनी अच्छे से पिघल जाए फिर मैं इसमें ड्राई फ्रूट और इलायची वगैरह मिला दूंगी, फिर मेरा गाजर का हलवा कंप्लीट। चीनी मेल्ट हो चुका है अच्छे से, ये देखिए गाइस। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट और इलायची, ये भी अच्छे से पक जाए। इसे अभी 5-6 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी। हलवा पूरा सूख चुका है, ये देखिए गाइस, ड्राई हो चुका है, दूध पूरा सूख चुका है। अब मैं इसमें घी मिला देती हूँ। घी मेल्ट हो चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स, मेल्ट हो रहा है। अब इसमें कुछ भी नहीं मिलाना, ये मेरा घी में फ्राई होने के बाद तैयार हो जाएगा। ये देखिए गाइस, घी भी इसमें अच्छे से मिल गया। अब मेरा हलवा बनके तैयार है, इसे इसे खाना है आ सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में कितना अच्छा लग रहा है।